जय हिंद साथियों, हम आ चुके हैं न्यू वैकेंसी के अपडेट को लेके। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर जो एसएससी जीडी की वो वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएगी, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग डेट बता रहे थे। कोई कह रहा था कि सर अप्रैल में आ जाएगी, अप्रैल के बाद जून लोग बोल रहे थे, जून के बाद जुलाई भी स्टार्ट हो गई है, जुलाई के सेकेंड वीक में भी हम लोग आ चुके हैं, लेकिन एसएससी जीडी की वैकेंसीज का कुछ भी अता एंड पता भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस समय हम जी न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर हैं, जो कि जी न्यूज़ का एक जो कि न्यूज़पेपर आप लोग के टेलीविज़न में भी आता होगा, एक ये अच्छा खासा एक न्यूज़ चैनल है जो कि काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी जीडी इसी सप्ताह जारी होगा नोटिफिकेशन, जाने आयु सीमा में छूट व सहित अन्य जानकारी। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, 14 जुलाई का ये न्यूज़पेपर है। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर इसमें एज रजिस्ट्रेशन इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग को एज रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। जी हाँ, मेरे हिसाब से भी एज रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, बट जी न्यूज़ ने आज क्या कहा है, मतलब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्या रखा गया है कि इसमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, क्या इसका पेपर जो निगेटिव मार्किंग के साथ होगा या फिर इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी जैसा कि पहले रखी गई थी। इन्हीं सब टॉपिक्स में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, न्यू वैकेंसी अपडेट, रिजर्व की अपडेट सबसे पहले सबसे तेज आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल के द्वारा दी जाती है। और भाई वीडियो बढ़िया लगे ना तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप लोग सिलेक्शन होता है तो आप लोग किस में, आपको पैरा SSF और ITBP और BSF और असम राइफल्स, NIA और SSB और CRPF जैसी वैकेंसीज़ में आप लोग का सिलेक्शन दिया जाता है। और ये ग्राउंड ड्यूटी होती है, आपकी बॉर्डर में भी लगा सकते हैं आपको ड्यूटी, और आपको जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ पे भी आप लोग को रख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी लोग बॉर्डर पे ही लगे हुए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन पहले मार्च में जारी होने वाला था, लेकिन प्रशासनिक कारणों यानी कि कोविड की पैंडेमिक की वजह से, जैसे कि आपको पता है ये फरवरी अप्रैल में जारी होने वाला था, लेकिन उस समय कोविड एक्सट्रीम पॉइंट में था, इसीलिए एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो पाया। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या न्यूज़ में लिखा है। कर्मचारी आयोग एसएससी की तरफ से जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए CISF, BSF जैसे मैं बता चुका था, CRPF और सहित अन्य 40,000 पदों पे भर्ती की जाएंगी। हालांकि यानी 40,000 प्लस पद ही मान लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो वैकेंसीज आई थी उसमें 60,000 प्लस ही लोगों का सिलेक्शन हुआ था। बात कर लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हालांकि भर्ती की नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी की, तो नोटिफिकेशन सप्ताह यानी कि इसी 15 जुलाई से 18 जुलाई देख सकते हैं आप, 16 जुलाई हो सकता है कल जारी कर दिया जाए, हो सकता है 18 को भी जारी किया जा सकता है इसका नोटिफिकेशन। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जी न्यूज़ पे आप देख सकते हैं, जी न्यूज़ इंडिया जॉब्स SSC GD कांस्टेबल डाल के देख लीजिएगा तो भी आप इसका न्यूज़ पेपर आ जाएगा, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इस न्यूज़ पेपर की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके भी आप इसे देख सकते हैं। और भाई वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया होना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करें नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 10वीं व 12वीं, यानी अगर आपने 10th पास भी किया है तो भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो हाईलाइट करने की डेट थी वो 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो। इसमें बात कर लेते हैं एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी वजह से जिन अभ्यर्थियों का लास्ट चांस था उनकी आयु सीमा समाप्त हो गई है, ऐसे में ये अभ्यर्थी आयु सीमा की छूट की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नोटिफिकेशन देर से जारी होने की वजह से आयु सीमा समाप्त हो चुकी है, ऐसे में उन्हें एक मौका और देना चाहिए, हालांकि आयोग की तरफ से इसको कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्या क्या आ गया है ये भी आप देख सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बात की संभावना कम ही है कि आयोग सीमा में छूट दे, यानी कि एज रजिस्ट्रेशन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो बिल्कुल आप लोग को कोई भी एज रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब तक कुछ भी ऑफिशियली ना आ जाए तब तक नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर एज रजिस्ट्रेशन SSC GD नहीं देती है तो हम सभी यूट्यूबर्स, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब लोग आप लोगों के लिए आप लोग के लिए ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाएंगे SSC GD एज रजिस्ट्रेशन, तो सभी अभिनव सर, जितने भी गगन प्रताप सर, जितने भी सर लोग हैं सभी लोग इसमें करेंगे, और आप लोग को 101% आप लोग को पूरी कोशिश रहेगी आप लोग को एज रजिस्ट्रेशन दिलाया जाए, क्योंकि आयोग की तरफ से अगर ऐसा किया जाएगा तो बाद में आने अभ्यर्थियों की भी इसकी मांग करने लगेंगे, क्योंकि अगर इसमें एज रजिस्ट्रेशन दे देंगे तो SSC MTS में भी, क्योंकि जो 18 से 27 तक ही मांगते हैं उसमें भी मांगने लगेंगे, इसीलिए
सूत्रों के अनुसार माने तो संभावना कम ही है ए सेशन मिलने की। अब बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो हमेशा की तरीके इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। अब बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग भी इस बार भी नहीं रखी जाएगी, नो निगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस की बात कर लें तो 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी और ऑब्लिक इंग्लिश, या तो आप हिंदी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन या तो इंग्लिश, 25 क्वेश्चन ही रहेंगे। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो हिंदी के 25 पूरे सॉल्व करिएगा, 25 क्वेश्चन आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश के करिएगा। 25 नंबर की बात कर लें तो 25 नंबर की रागा यानी कि रीजनिंग मेंटल एबिलिटी आएगी, और 25 नंबर की बात कर लें तो जीके जीएस आने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लें तो 100 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट्स का टाइम रहेगा इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रनिंग की बात कर लें तो रनिंग आपको जब लोग का एग्ज़ाम क्लियर होता है तो 5 किलोमीटर रनिंग कराई जाती है मेल्स कैंडिडेट्स की, जो कि 24 मिनट में। फीमेल्स की बात कर लें तो 1.6 किलोमीटर रनिंग मांगी जाती है विद इन आप लोग को 8.5 मिनट में निकालनी पड़ती है। इसमें कोई भी आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं रखी जाती है। अगर आपके कोई भी डाउट उस वैकेंसीज को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। और भाई वीडियो बढ़िया लगे हो ना और मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इसकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के द्वारा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।